हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना खजाना। हमारे खाना खजाना के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। हाँ जी, बटर मसाला टेस्ट होगा सेम बटर चिकन जैसा और मसाले भी नॉर्मल होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी पनीर की, जो कि मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, दही लिया है, काजू खसखस का पेस्ट है, क्रीम है या मलाई, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने मलाई ली है, फ्रेश मलाई। टमाटर का पेस्ट लिया है, रिफाइंड ऑयल है, ब्राउन प्याज का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, अदरक का लच्छा है, नमक है स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च है, धनिया पाउडर है, कुटी लाल मिर्च है, हरा धनिया पाउडर है, मक्खन है, फूड कलर है, टोमेटो सॉस, कसूरी मेथी, ग्राइंड गरम मसाला, और ये दूध लिया है मैंने। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस को जलाते हैं। अब उसमें हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसी में हम 4 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये हो गया 4 टेबल स्पून पेस्ट। मैं 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसमें हम आधा, मैंने 250 ml दूध लिया है, जो कि हम अभी आधा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे बाद की जरूरत के लिए। और हम इसी में सारे मसाले एक साथ डाल देंगे, बहुत ही आसान है। कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च है हमारी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि 2 चुटकी, टमाटर सॉस 1 टेबल स्पून एंड फूड कलर। कलर लाने के लिए फूड कलर आने डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कम से कम 3-4 मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें काजू खसखस का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, एंड अदरक का लच्छा, 2 से 4 कटी हुई बारीक हरी मिर्च। फिर इसको हम 2 से 3 मिनट और इसको हम भूनेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी पूरी तरह पक जाए, पूरी तरह भुन जाए। अब हम इसमें बटर डालेंगे, जैसा कि नाम है पनीर बटर मसाला, तो बटर तो ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया है और इसमें हम बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी पनीर बटर मसाले की ग्रेवी भून के रेडी है। अब हम इसमें क्रीम डालें, थोड़ी सी रोक लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। 4 टेबल स्पून क्रीम है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे, ये हमारा पनीर बटर मसाला तैयार है। अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और भूनेंगे, जिससे कि पनीर मुलायम हो जाए और बढ़िया टेक्सचर आ जाए। ये हमारा पनीर बटर मसाला बन के रेडी है। तो बहुत बढ़िया टेस्ट आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। और एक नोट करने वाली बात यह है,
कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाया है, बिना अदरक लहसुन पेस्ट के बनी है, केवल अदरक का लच्छा और हरी मिर्च काट के डाल। दोस्तों ये हमारा पनीर बटर मसाला बन के रेडी है, आप रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।